अगली खबर की ओर। एक लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने 8 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इस देरी पर तंज कसते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पूरा महीना लगा है इन्हें लिस्ट तैयार करने में, रोज इनकी लड़ाई हुई और अब लिस्ट बाहर आने के साथ साथ इनकी लड़ाई भी बाहर आ गई। जो लड़ाई अंदर बैठकर होती थी वह सड़कों पर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया, जिसे लेकर विज ने कहा कि उच्च न्यायालय का यह एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। कुछ लोग इसे रोने का इशू बना रहे थे क्योंकि उन्हें हार सामने दिख रही थी, अब वे कोई और इशू ढूंढ लेंगे। वहीं राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 लोगों को अरबपति बनाया, हम हिंदुस्तान में करोड़ों लखपति बनाएंगे। इस पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि राहुल गांधी ने झूठ बोलने की पीएचडी की हुई है, रोजाना उठकर झूठ बोलते हैं। अंबाला से निखिल शोभती की रिपोर्ट। पूरा महीना लगा है इनको लिस्ट तय करने में और रोज इनकी लड़ाई हुई है, रोज ये घोषणा करते रहे आधिकारिक तौर पर कि शाम तक आ जाएगी, कल आ जाएगी, लेकिन वो कल नहीं आई और लिस्ट बाहर आ गई है। लिस्ट के साथ लड़ाई भी बाहर आ गई है। जो लड़ाई अंदर बैठ के दफ्तर में हो रही थी अब वो सड़कों पर हो रही है, क्योंकि इनकी लड़ाई की जड़ें बहुत गहरी हैं, वो जड़ें अपना असर जरूर दिखाएंगी। देखिए, राहुल गांधी ने झूठ बोलने की पीएचडी कर रखी है और रोजाना उठ के एक नया झूठ बोलते हैं। आप कह रहे हो कि 25 आदमी अरबपति बना दिए, ये आपके दादी के राज में नहीं थे, इंदिरा गांधी के राज में। ये लोग राजीव गांधी के राज में नहीं थे, ये लोग मनमोहन सिंह के राज में नहीं थे,